सोच सके क्या है ये भगवान कहते ससंति आपनोति नकाम कामी न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्सोयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। तो भगवान कर्म के रहस्य बताते हैं। किं कर्म किं अकर्मेति गमनं कर्मणं गति। जो कर्म की जो रिएक्शन है हम कहते वी आर डूइंग एक्शन बट देयर इज रिएक्शन आल्सो। हम मेडिसिन खाए ये एक्शन है हमको कड़वा लगा लेकिन शरीर के अंदर इसके एक रिएक्शन होता है। बुखार जिसको है बुखार के लिए कौन सा दवाई देते हैं हम कोई नया नहीं है और कुछ दवाई है पर उसके जब रिएक्शन एक्शन है सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं जैसे करनी ऐसे जैसे हम बीज बोते हैं ऐसे हमको अनाज मिलता है। एज यू सो सो यू। इसलिए भगवान कहते हैं योग कर्म सुकौशलम। कर्म करने की टेक्निक जानना चाहिए कौशल जानना चाहिए। जो ट्रेनिंग लिया है वही एक्सपर्ट बनता है। इसलिए किसी भी नौकरी में हम ज्वाइन करते हैं कहते हैं मेरे ट्रेनिंग पीरियड है। ये संसार में हम सब अज्ञान हैं परंतु सोचते हम विशेषज्ञ हैं कोई विज्ञान नहीं। इसलिए सब चीज हम लोग लर्न करते हैं पढ़ाई करते हैं प्राइमरी से मिडिल हायर फिर उच्च डिग्री लेते हैं। तो उसी प्रकार हम इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। भगवान अर्जुन को प्रशिक्षण दे रहे युद्ध करना भी एक कौशल है। आप इस कौशल को केवल कृपाचार्य या द्रोणाचार्य से सीख नहीं सकते हैं वो मैं तुमको सिखाऊंगा। वो तो तुम मिलिटरी आर्ट सीखे हो अस्त्र और शस्त्र की विद्या सीखे हो लेकिन किस प्रकार भावना से युद्ध करना चाहिए ताकि इस युद्ध के परिणाम से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि मारने वाले को सजा मिलता है हत्यारे को फांसी देना चाहिए पर भगवान तत्देवत्करो जनाः साजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदान वर्तते नामे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नाना व्याप्तं अवाप्तव्यं विद्यते तत्सोयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। तो भगवान कर्म के रहस्य बताते हैं। किं कर्म किं अकर्मेति गमनं कर्मणं गति। जो कर्म की जो रिएक्शन है हम कहते हैं वी आर डूइंग एक्शन बट देयर इज रिएक्शन आल्सो। हम मेडिसिन खाए ये एक्शन है हमको कड़वा लगा लेकिन शरीर के अंदर इसके एक रिएक्शन होता है। बुखार जिसको है बुखार के लिए कौन सा दवाई देते हैं हम कोई नया नहीं है और कुछ दवाई है पर उसके जब रिएक्शन एक्शन है सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हिंदी में कहते हैं जैसे आपकी प्रति डाइवर्ट करें तो वही मुक्ति के कारण बन जाता है। महत्सेवा द्वारं आहुर विमुक्ते तमद्वारः जोषित संसार में जो काम वासनाएं हैं
यही संसार के बंधन के कारण है। जंगल में आग कोई नहीं लगाता है, पेड़ की घर्षण से उत्पन्न होता है और जंगल को साथ साथ काम पूर्ति हो गया तो लोग और होता है और चाहे। और इसी प्रकार हमारी बुद्धि सब नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि नाश होने पर व्यक्ति की नरक की रास्ता खुल जाता है, प्रणश्यति अधो। शुक्राचार्य ने मना किए, गुरु जी बड़ी क्यों करने जा रहे, तुम नहीं जानते हो ये छड़िया विश्व है, वो देवताओं की हित करने के लिए तुम सब कुछ छीनने का मत दो, संकल्प मत करो। बड़ी ने कहा, गुरुदेव हमारी खानदान में ऐसे कोई नहीं हुआ है, एक बार संकल्प करके फिर मौन हो जाए, अपन एक बार जवान दे करके फिर मुकर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम गुरु की बात को नहीं मानोगे, कहते इसलिए मुझे नरक की सजा है, लेकिन मैं अपने जवान में अपने धर्म में अपने सत्य में निष्ठ हूं, इसलिए उसका नाम है बलि, सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया भगवान के लिए। तब भगवान दो पद में सब कुछ छीन लिया। आखिरी में भगवान कहे, तीसरे पद में कहां रखो, बताओ कहां तुम्हारी ईश्वरता है, अधिश्वरता है। तुम कह रहे थे लोकानंद एक स्वयं, मैं तो ऊपर की तुम्हारा जितनी सारे लोग था मैं सब दे दिया हूं। तो प्रभु मैंने एक चीज में नहीं दे पाया और समर्पित नहीं किया था, वो कहना क्या है, मैं मूर्धानी समर्पयामि, ये अहंकार के जो सर था कि मैं सब अभी मैं आपके चरण में इसको समर्पित करता हूं, इसको कहते समर्पण। इसको कहते हैं सफरी। संसार का हम लोग क्यों सफरी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग अफरिंग नहीं जानते। जो अफरिंग नहीं करता है ये संसार में सब प्रकार से सफरिंग होता है। बड़ा मैं कर रहा हूं, मैं मानूंगा करता हूं, यदि जो इस चीज को नहीं समझ पाता है वो सोचता है मैं करता हूं। जीवन की उत्पत्ति होती है अन्न से, अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति होती है यज्ञ से, यज्ञ की उत्पत्ति होती है कर्म से। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न सम्भवम्, यज्ञात् भवति पर्जन्यम् यज्ञ कर्म सम्भवम्, कर्मा ब्रह्मद्भवं वृद्धि ब्रह्माक्षरं समर्थवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कोई सख्यल विष्णु है, इसलिए बड़ी ने कहा गुरुदेव यदि वो विष्णु है वो सर्व समर्थ है, ना देने पर भी वो सब कुछ छीन सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विवेकी व्यक्ति इस तत्व को जानकर कि सब कुछ भगवान के चरण इस प्रॉपर्टी में जिस शरीर को हम समझ रहे मेरा है इसको भी काम छीन लेता है, इसलिए इसको जानकर कि ये ईश्वर की है। किस्याभास्यम इदं सर्वं जत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन तुक्तेन भंजिता मां वृद्धं कस्य सिद्धरम्। इसको जानो किसकी धन है, किसकी संपत्ति है, जानने के लिए प्रयास करो, लेकिन कपास होते हैं। तीसरी बार फिर आकर कहे महाराज अभी सभी जल गया जो भगवान, परंतु भगवान कहते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, जब जब आचरती श्रेष्ठम इज द ग्रेट पर्सनालिटी, जो आचरण किया इस कलयुग में भक्ति के आचरण करने वाले एक महात्मा आए थे, जो जवान कुल में जन्म लिए थे उनको
महाप्रभु ने दिए नाम आचार्य। हर नीस केवल माला पर ही है, लेकिन कुछ लोग आचरण करते प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन तुम आचरण करते हैं और प्रचार भी करते हो, इसलिए जगत की गुरु और जगत के आचार्य हो। दूसरी को सिखाते हैं और ऐसी शिक्षा से तत्त्वदेव दरो इतरो जना सजग प्रमाण करते। ड्यूटी इज कर्म ही धर्म, लेकिन कौन सी कर्म है? ये कर्मों की रहस्य क्या है? और कुछ लोग कहते हैं ये आपको ठीक है, कर्म इंद्रियाणि धोखा से करने का नहीं Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
करता हूं कि आप जमुना नगर निवासियों को आपके बुखार गुरु के द्वारा कथा का रसपान मिल रहा है। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर आप एक बार तीन बार हरि बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करें। हरि बोल, अभी आपके शेष अब 5 दिन रही हैं। 16 तारीख को इसका कथा का समापन है। अभी 5 दिन है, कृपया इसका पूरा आनंद और लाभ प्राप्त करें। मैं पहले भी आपको बताया कि ये बड़ी जिसको बोलते हैं पौराणिक कथा है, गीता भागवत गीता जयंती भी चल रही है। दिसंबर का महीना इस स्कूल में गीता जयंती मनाई जाती है पूरे दिसंबर में, और गीता घर घर तक पहुंचाई जाती है। ये वो महीना है जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है। तो आप जरूर इसका रसपान रोज करें, और डेली आपको इस कथा के द्वारा कृष्ण प्रसाद बांटा जा रहा है सभी भक्तों के लिए। तो आप उसको भी ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं कल एक विशेष उत्सव है, किन किन भक्तों को पता है कल विशेष उत्सव है? कल विशेष उत्सव है कृष्ण जन्म महोत्सव। इसी पंडाल में कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम के साथ। Thank you.